फ्रेंड्स, सफलता कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बाल्य शैशवावस्था में शारीरिक विकास और मानसिक विकास के बारे में चर्चा की। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं शैशवावस्था पे, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास की। शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, ठीक है। तो बात करते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास की बात करने से पहले दोस्तों संवेग की बात करते हैं। क्या संवेग? संवेग का अर्थ इंग्लिश में होता है इमोशन। क्या होता है? इमोशन, इमोशन, इमोशन लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के इमोवेयर, इमोवेयर शब्द से बना। किससे बना? लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना, ठीक है। तो इमोवेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? इमोवेयर का मतलब होता है उत्तेजित होना, ठीक, उत्तेजित होना, उत्तेजित होना। इमोवेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? उत्तेजित होना, ठीक है। तो संवेग, इमोशन लैटिन भाषा की इमोवेयर शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। तो हम ये कह सकते हैं हमारे शरीर को गति देने वाला तत्व संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी से एक डिफिनेशन हम निकाल देते हैं। कहते हैं हमारे शरीर को, हमारे शरीर को गति देने वाला तत्व संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। या फिर ये कह सकते हैं, ठीक है, हमारे शरीर की जो उत्तेजित दशा है वही क्या है? संवेग है। ये कह सकते हैं हमारे शरीर की उत्तेजित दशा ही क्या है? संवेग है। क्योंकि उत्तेजित दशा में हमारे हृदय की धड़कन अधिक तेज चलने लगती है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो क्या होता है? हमारे शरीर की गति देने वाला तत्व तो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो बात अगर संवेग की आती है दोस्तों, तो हमको तीन शब्द ध्यान में रखना है, हमको तीन शब्द ध्यान में रखना है दोस्तों। पहला क्या? भावना। दूसरा क्या? संवेग। और तीसरा क्या? मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, ठीक। अब दोस्तों आप सोचेंगे भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति क्या है? भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति क्या है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भावना क्या है? विचारों का आंतरिक रूप। क्या है? विचारों का आंतरिक रूप। विचारों का आंतरिक रूप क्या है? भावना है, ठीक। विचारों का बाह्य रूप, विचारों का बाह्य रूप, विचारों का बाह्य रूप क्या है? संवेग है। और विचारों का क्रियात्मक रूप, विचारों का क्रियात्मक रूप क्या है? मूल प्रवृत्ति। तो दोस्तों ये तीन चीजों आपको, आप ध्यान रखिएगा तीन शब्दों को। भावना किसे कहते हैं? विचारों का आंतरिक रूप। जैसे मान लीजिए आपने किसी शेर को देखा,
शेर को देख के आपके दिमाग में एक डर उत्पन्न हुआ, ठीक, वहां क्या हुआ, भावना हुई, आपके दिमाग में एक भावना का जन्म हुआ, एक डर का जन्म हुआ, ठीक है। फिर वह डर आप बाहर निकालते हैं, ठीक है, वह डर बाहर आता है तो किसके रूप में बाहर आएगा, संवेग के रूप में आएगा, ठीक है, आप क्या करें क्या ना करें सोच नहीं पाते हैं, ठीक है। फिर जब आप भागते हैं, जब आप भागते हैं, ठीक है, भय का, भय की मूल प्रवृत्ति होती है, भय संवेग है, भय की मूल प्रवृत्ति क्या हुई, भय की मूल प्रवृत्ति होती है पलायन, और जब आप भागे तो वह क्या हो गया, क्रियात्मक रूप हो गया, वह क्या हुआ, क्रियात्मक, मतलब जब आपके मन में विचार आया डर का, ठीक है, तो क्या हुआ, वह आंतरिक रूप हुआ, जब आपका वह डर यानी भय बाहर आया तो क्या हुआ, वह रूप हुआ, और जब आप वहां से पलायन किए, ठीक है, या फिर जब आपने कोई क्रिया की उस पे, तो वह क्या हुआ दोस्तों, वह क्या हुआ, क्रियात्मक रूप हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इसी पे वुडवर्थ ने कहा, इसी पे वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने कहा, वुडवर्थ ध्यान दीजिएगा, वुडवर्थ ने कहा वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने कहा संवेग व्यक्ति की गति या आवेश में आने की स्थिति है, संवेग व्यक्ति की गति या आवेश में आने की स्थिति है, क्या कहा वुडवर्थ ने, वुडवर्थ ने कहा संवेग व्यक्ति, संवेग व्यक्ति की गति, व्यक्ति की गति या फिर आवेश, आवेश में आने की स्थिति है, क्या है, स्थिति है। वुडवर्थ ने क्या कहा दोस्तों, वुडवर्थ ने कहा संवेग व्यक्ति की गति या आवेश में आने की क्या है, स्थिति है, आने की स्थिति है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कोटेशंस देखिए, ठीक है, क्रो ने कहा संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है, व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। रॉस जे एस, जिसको हम केवल रॉस कहते हैं, ठीक है, उनका पूरा नाम है रॉस जे एस, इन्होंने कहा संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इसी में वैलेंटाइन या फिर हम लोग वैलेंटाइन कहते हैं, उन्होंने क्या कहा, रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने को संवेग कहते हैं, ठीक। ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी दोस्तों, अलग अलग वैज्ञानिकों के कोटेशंस हैं, इनको आपको याद रखना है। क्रो एंड क्रो ने कहा संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। रॉस जे एस ने कहा संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, और वैलेंटाइन ने कहा रागात्मक प्रवृत्ति के वेग के बढ़ने की को संवेग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं संवेग की प्रमुख विशेषताओं की, प्रमुख विशेषता, ठीक, संवेगों की प्रमुख विशेषता, अब हम बात करते हैं दोस्तों संवेगों की प्रमुख विशेषता की, ठीक। तो संवेगों की प्रमुख विशेषता में पहली ही विशेषता है दोस्तों, पहली ही विशेषता है संवेग में तीव्रता पाई जाती है, संवेग में क्या पाई जाती है दोस्तों, तीव्रता पाई जाती है, संवेग में तीव्रता पाई जाती है, क्या पाई जाती है संवेग में, तीव्रता पाई जाती है, संवेग में तीव्रता पाई जाती है, यह संवेग की पहली विशेषता है। संवेग की दूसरी विशेषता देखिए दोस्तों क्या है, संवेग सार्वभौमिक होते हैं, संवेग क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं,
यानी संसार के सभी व्यक्तियों में संवेग है, संवेग सार्वभौमिक होते हैं। क्या होते हैं? सार्वभौमिक। संवेग सार्वभौमिक होते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, संवेग में तीव्रता पाई जाती है, संवेग व्यक्तिकता, संवेग में व्यक्तिकता होती है, संवेग में व्यक्तिकता होती है। इसका मतलब समझिएगा, संवेग में व्यक्तिकता होती है, व्यक्तिकता होती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे संवेग में व्यक्तिकता का मतलब क्या हुआ? संवेग में व्यक्तिकता, जैसे मान लीजिए कोई भिखारी है, एक व्यक्ति उस भिखारी को देख के खुद ही कहेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक, पहली चीज, तो वह खुद ही भिखारी बन जाएगा उसको देख के। दूसरा व्यक्ति उसे देखेगा तो उसके अंदर दया आएगी, दूसरा व्यक्ति अगर उसको देखेगा तो उसके अंदर दया आएगी, ठीक है। तीसरा व्यक्ति उसको देखेगा तो उसको हीन भावना आएगी, हीन भावना से वो दे देगा, ठीक, वहीन भावना से देगा कि तुरंत ये चला जाए, ठीक। अगर एक व्यक्ति आएगा तो उसको दया आएगी, वह दया देख के देगा, और एक व्यक्ति वह उसे देख के खुद ही क्या हो जाएगा, भिखारी बन जाएगा। तो क्या है कि संवेग में व्यक्तिकता होती है, संवेग सब में होता है, बट उसको व्यक्त करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके की होगी, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है दोस्तों, संवेग जन्मजात होता है। क्या होता है? संवेग जन्मजात होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, संवेग जन्मजात है कि नहीं? तो संवेग क्या होता है दोस्तों? संवेग जन्मजात होते हैं, संवेग जन्मजात होते हैं। संवेग क्या है दोस्तों? जन्मजात होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, संवेग में उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है, संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, अगली विशेषता है दोस्तों, संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट है, संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है। संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है, जैसे धड़कन बढ़ जाएगी, पसीना आने लगेगा, तो ये क्या है? संवेग उत्पन्न होने पर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, संवेग उत्पन्न या तीव्र होने पर बुद्धि कार्य करना कम कर देती है या बंद कर देती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, संवेग उत्पन्न होने पर बुद्धि कार्य करना कम या फिर बंद दोनों में से कुछ भी कर देती है, ठीक। संवेग उत्पन्न होने पर बुद्धि कार्य करना या काम करना, कार्य करना काम या फिर बंद कर देती है, कम या बंद कर देती है। संवेग उत्पन्न होने पर बुद्धि कार्य करना कम या बंद कर देती है। ये था सिक्स पॉइंट आपका, ये था कौन सा पॉइंट? सिक्स पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, संवेग में तीव्रता पाई जाती है, संवेग सार्वभौमिक होते हैं, संवेग में व्यक्तिकता होती है, संवेग जन्मजात होते हैं, संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होता है, और संवेग उत्पन्न होने पर बुद्धि कार्य करना कम या फिर बंद कर देती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सातवां पॉइंट, संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है, मतलब संवेग सदा ही आपके साथ नहीं बने रहते हैं, परिस्थितियां अनुकूल होने पर, ठीक है, परिस्थितियां सामान्य होने पर क्या होता है, संवेग भी खत्म हो जाते हैं, तो संवेग
कि प्रवृत्ति अस्थाई होती है, क्या है? संवेग की प्रवृत्ति अस्थाई होती है, अस्थाई होती है। ठीक, संवेग की प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों? अस्थाई होती है। संवेग में सुख और दुख दोनों मिलता है। अगला पॉइंट है, संवेग में सुख और दुख दोनों मिलता है। क्या होता है? संवेग में सुख और दुख दोनों मिलता है। संवेग में सुख और दुख दोनों मिलता है। संवेग में सुख और दुख दोनों मिलता है, ठीक है। जैसे, ठीक है, भावना, हमने आपको बताया भावना, संवेग और मूल प्रवृत्ति, ठीक है। तो भावना से बनता है संवेग, संवेग से होती है मूल प्रवृत्ति का जन्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। क्या? 14 प्रकार के संवेग और उनकी मूल प्रवृत्तियां। 14 प्रकार के संवेग, 14 प्रकार के संवेग और इनके साथ, 14 प्रकार के संवेग और इन्हीं के साथ मूल प्रवृत्तियां, ठीक। इन्होंने कहा कि मनुष्य में 14 प्रकार के संवेग होते हैं और उनके साथ 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां भी होती हैं, ठीक है दोस्तों। इन्होंने कहा, और ये कहा इन्होंने, इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी बुक है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इनकी एक पुस्तक है। इसमें इन्होंने लिखा कि 14 मनुष्य के अंदर 14 प्रकार के संवेग और उनकी 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक आए दोस्तों, सिगमंड फ्रायड। नाम आप लोगों ने सुना होगा, हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। सिगमंड फ्रायड आए। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक है सिगमंड फ्रायड, इन्होंने कहा संवेग दो प्रकार के, इन्होंने कहा संवेग दो प्रकार के, कौन कौन से? जुयुत्सा, नाम आप लोगों ने सुना होगा बीटीसी वगैरह में, युयुत्सा, और दूसरा इन्होंने कहा जिजीविषा, जिजीविषा, युयुत्सा और जिजीविषा। युयुत्सा का मतलब वह संवेग जिसमें क्रोध उत्पन्न होता है। जिजीविषा का क्या मतलब हुआ? वह संवेग जिसमें क्रोध उत्पन्न होता है, वह संवेग जिसमें क्रोध उत्पन्न होता है। वह संवेग जिसमें क्रोध उत्पन्न होता है, जिजीविषा हो गया, ठीक, जुयुत्सा हो गया, और वह संवेग जिसमें शांति मिलती है, वह संवेग जिससे शांति मिलती है, जिससे शांति मिलती है, वह संवेग जिससे शांति मिलती है, क्या हो गया? जिजीविषा हो गया। तो युयुत्सा का मतलब सीधा सा युद्ध की इच्छा, युयुत्सा का मतलब सीधा सा हो गया युद्ध की इच्छा, जिजीविषा का मतलब जीने की इच्छा, ठीक है। तो सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा? सिगमंड फ्रायड ने कहा कि संवेग दो प्रकार के हैं, युयुत्सा और
जी जी पिसा, जबकि विलियम मैकडूगल ने कहा अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कि 14 प्रकार के संवेग होते हैं और उनकी 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, दो पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, जन्म के समय उत्तेजना नामक संयोग संवेग पाया जाता है, जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। ठीक है, जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। ठीक, पाया जाता है। तो जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया, जबकि जेबी वाटसन ने कहा जन्म के समय 3 संवेग पाए जाते हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे जेबी वाटसन, जेबी वाटसन ने कहा जन्म के समय 3 संवेग भय, क्रोध और प्रेम पाए जाते हैं। जन्म के समय इन्होंने कहा जन्म के समय 3 संवेग पाए जाते हैं, कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। भय, क्रोध और प्रेम जन्म के समय इन्होंने कहा कि 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। ये किसने कहा? जेबी वाटसन एक मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने कहा। ठीक है, अगला देखिए, सहसावस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करने लगता है। सहसावस्था में अगला पॉइंट है, सहसावस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करने लगता है। सहसावस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करने लगता है। मतलब क्या? शैशवावस्था में क्या करता है? संवेग को प्रकट करने लगता है। शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार, जो उसका व्यवहार होता है, जैसे दूध ना मिलने पर, ठीक है, भूख ना मिलने पर गुस्सा करना, चिल्लाना, तो क्या है? संवेग ही तो है। तो शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार संवेग की अभिव्यक्ति करने लगता है, या फिर खिलौना छीन लीजिए तो गुस्साने लगना। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये सब संवेग की अभिव्यक्ति है। अगला पॉइंट है, जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं और नकारात्मक होते हैं। जन्म के समय, अगला पॉइंट है, जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं और नकारात्मक होते हैं, और आयु बढ़ने पर कम हो जाते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। ठीक है, जन्म के समय, तो क्या है दोस्तों, जन्म के समय, जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं और क्या होते हैं? नकारात्मक भी होते हैं। क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं और आयु बढ़ने पर क्या होता है? सकारात्मक होते हैं। तो दोस्तों, जन्म के समय उत्तेजना संवेग पाया जाता है। जेबी वाटसन के अनुसार जन्म के समय 3 संवेग, भय, क्रोध और प्रेम। अगला पॉइंट था, शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। ये दोस्तों सीटेट में इस तरीके का सीधा स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। फिर अगला पॉइंट है, जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं, नकारात्मक होते हैं और आयु बढ़ने पर या सकारात्मक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, शैशवावस्था में हमने आपको जन्म के समय संवेग तीव्र होते हैं, नकारात्मक होते हैं, ये आपको बताया दोस्तों हमने। मैं एक डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं छोटा सा, ठीक है, कि क्या होता है। ये मान लीजिए 3 गोला, इसमें क्या भरा है?
संवेग भरे हुए हैं, ठीक है। और ये ऊपर से थोड़ा सा मुंह खोल दीजिए इसका, ठीक है, मटकी टाइप मान लीजिए। ये है दोस्तों सहसावस्था। सहसावस्था, बाल्यावस्था और ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था फ्रेंड्स ये देखिए यहां सहसावस्था में होता क्या है, संवेग उग्र होते हैं। क्या होते हैं? संवेग उग्र होते हैं। यहां मानसिक विकास तो होता है, यहां क्या होता है, मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास क्या होता है, होता है, लेकिन बुद्धि कार्य नहीं करती है। बुद्धि कार्य नहीं करती है। यहां क्या होता है, सहसावस्था में संवेग उग्र होता है, मानसिक विकास तो होता है लेकिन बुद्धि कार्य नहीं करती, इसकी वजह से संवेग क्या होता है, पूरा बाहर निकल जाता है। संवेग क्या होता है, पूरा बाहर निकल जाता है। दूसरी अवस्था होती है बाल्यावस्था, यहां पर बुद्धि कुछ कार्य करने लगती है। यहां क्या होता है, बुद्धि कार्य करने लगती है, बुद्धि कार्य करने लगती है। तो यहां संवेग क्या होता है, संवेग यहां भी होता है बट यहां बुद्धि इसको रोकने का प्रयत्न करती है, तो यहां से संवेग क्या होता है, थोड़ा कम बाहर निकलता है, ठीक है। और यहां होता है किशोरावस्था, यहां क्या होता है, संवेग तो होता है और यहां बुद्धि पूर्ण रूप से कार्य करती है। क्या करती है, बुद्धि पूर्ण रूप से कार्य करती है। तो यहां क्या होता है, बुद्धि जब पूर्ण रूप से कार्य करती है तो संवेग नियंत्रण में हो जाते हैं। संवेग क्या होते हैं, नियंत्रण में हो जाते हैं, ठीक है। तो वह क्या होता है, हमारी इच्छा के अनुरूप ही निकल पाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, बुद्धि पूर्ण रूप से कार्य करने लगती है। तो यहां क्या होता है दोस्तों, संवेग एकदम कम या फिर नहीं निकल पाते, ठीक है। और यहां क्या होता है, बुद्धि कार्य थोड़ा बहुत करने लगती है, ठीक है, यहां कुछ कार्य करने लगते, संवेग थोड़ा बहुत बाहर निकलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब सामाजिक विकास दोस्तों, सहसावस्था में सामाजिक विकास, ये सहसावस्था कहा, सहसावस्था में, तो सहसावस्था में दोस्तों सामाजिक विकास गुण और गुण, मान्य अमान्य नियम, ठीक दोस्तों। सबसे पहले जब बच्चा, ठीक है, छोटा रहता है, शिशु रहता है, तो वह अवगुण अमान्य और नियम को नहीं मानता, ठीक है। अवगुण, ठीक है, उसके अंदर अवगुण रहते हैं, ठीक है, जो समाज को मान्य नहीं है वही कार्य करता है और किसी नियम को नहीं मानता। लेकिन धीरे धीरे वह अवगुणों को छोड़कर गुणों को अपनाता है, अमान्य व्यवहार को छोड़कर मान्य व्यवहार को अपनाता है और सभी नियम को मानता है। तो यह जो प्रक्रिया होती है, या कौन सी प्रक्रिया होती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है दोस्तों, सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया, ठीक दोस्तों। अवगुण को छोड़कर गुण अमान्य व्यवहार को छोड़कर मान्य व्यवहार और सही नियम को अपनाता है, ठीक है। तो वह क्या है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है। तो इसमें जन्म के समय शिशु सामाजिकता से तटस्थ या शून्य होता है। पहला पॉइंट है, जन्म के समय शिशु क्या होता है, सामाजिकता से तटस्थ या क्या होता है, शून्य होता है। जन्म के समय शिशु सामाजिकता से तटस्थ या शून्य होता है। तीन माह में बालक क्या होता है, माँ को पहचानने लगता है। तीन माह में क्या करता है, शिशु माँ को पहचानने लगता है। चार माह में अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है। चार माह में अभिभावकों को देखकर हंसने लगता है का मतलब अभिभावकों को पहचानने लगता है, अभिभावकों को पहचानने लगता है। छह माह का बालक नाम पहचानने लगता है। किसका नाम, अपना नाम, अपना नाम पहचानने लगता है। यानी यहाँ मानसिक विकास हो रहा है, जब अपना नाम पहचानने लगता है तो मानसिक विकास हो रहा है। एक वर्ष का बालक परिवार के साथ घुल मिल जाता है, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा, एक वर्ष का बालक परिवार के साथ घुल मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी के नीचे मैं लिख दे रहा हूं, यहां से मिटा के, एक वर्ष,
का बालक परिवार के साथ घुल मिल जाता है, ठीक है, एक वर्ष। जब बालक एक वर्ष का हो जाता है तो क्या हो जाता है, परिवार के साथ घुल मिल जाता है, परिवार के साथ घुल मिल जाता है, परिवार के साथ घुल मिल जाता है। बालक जब दो वर्ष का हो जाता है, बालक क्या होता है जब दो वर्ष का हो जाता है तो परिवार में कुछ कार्य करता है, ठीक है, क्या करता है परिवार में, जैसे कहा जाए पानी ले आओ तो पानी ले आता है, कहता है कहा जाए वो सामान ले आओ तो ले आता है, तो परिवार में कुछ कार्य करता है, कुछ कार्य करता है, ठीक। ये दो वर्ष का बालक, तीन वर्ष का बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, तीन वर्ष का बालक क्या कर लेता है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, तीन वर्ष का बालक क्या करता है पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, यह तीन वर्ष में, यह घटना कब घटित होती है, तीन वर्ष में। चार वर्ष में विद्यालय में अनौपचारिक शिक्षा और पांच वर्ष में औपचारिक शिक्षा दी जाती है, ठीक। चार वर्ष में विद्यालय में अनौपचारिक शिक्षा, चार वर्ष विद्यालय में अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, और पांच वर्ष में औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। दोस्तों मैं आगे औपचारिक और अनौपचारिक की चर्चा आपसे करूंगा, औपचारिक और अनौपचारिक की चर्चा दोस्तों मैं आगे की क्लास में आपसे करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका शैशव अवस्था में विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, सारे के सारे संवेगात्मक विकास, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगली क्लास जो आपकी होगी वह बाल्यावस्था की होगी, अगली क्लास की चर्चा होगी आपका बाल्यावस्था की होगी।